हाँ जी, इस जगह पहले प्लेन ज़मीन थी और जेसीबी से ये होद बनाया गया है, 100 बाई 100 का है और 20 फुट गहरा है। और फिर ये प्लास्टिक की सीट बिछाई गई है और बाद में इसमें पानी डाला जाता है, तो पानी बारिश का भी आता है उसमें, मकानों की छतों का इकट्ठा होके लाइन द्वारा यहाँ आता है। और उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल हमारे बारिश के दिनों में फालतू पड़ी रहती है, इस टाइम वो ट्यूबवेलों का पानी भी इसमें डाल देते हैं, तो ये स्टॉक हो जाता है। तो स्टॉक से हम जैसे एक्स्ट्रा खेतों में पिलाई कर लेते हैं। हाँ जी, एग्रीकल्चर संबंध की नेटा फेन की मशीन है और यह ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से ऐसे पानी आके इसमें ऐसे जाता है, इससे डायरेक्ट फीका पानी काम में लेते थे, डायरेक्ट चला जाता है। और उसके बाद में जैसे फसल के अंदर कोई दवाई बुवानी हो तो फिर इसको ऐसे किया जाता है और फिर इसे इस फिल्टर के द्वारा इस मशीन के अंदर पानी और दवाई इसमें मिक्स होके आगे फिर मिक्सर में फसल में चली जाती है। सौर ऊर्जा का प्लांट है और इससे बिजली बनती है, और बिजली बन के ये अंदर इसका स्टार्टर लगा रखे हैं। इस स्टार्टर के द्वारा, इस केबल के द्वारा ट्यूबवेल में करंट जाता है और फिर ट्यूबवेल एग्रीकल्चर की मोटर चलती है इससे। इससे जलती है, इससे होप होती है। ऐसे तो तरबूज गर्मियों के अंदर बोया जाता है मौसम के हिसाब से, तो परंतु इसमें गैर मौसम के हिसाब से इसमें ये पन्नी लगाई जाती है, इसे बेड बना के पन्नियाँ लगाई जाती है। पन्नियों के अंदर फिर इसको चोबा जाता है और फिर ये फसल गैर मौसम में पैदा की जाती है। इस टाइम गर्मी का मौसम की फसल है, परंतु इसमें बारिश का मौसम हम पैदा कर रहे हैं और तरबूज लग रहे हैं। अभी तो छोटे हैं और अब बड़े होंगे, करीबन 5-5, 6-7 किलो के तरबूज होंगे। और देख लो, ये दूसरे मौसम पैदा किया जाता है।